तो बड़ी खबर आपको बता दें, पीडीए से घबरा गई केंद्र सरकार, उपचुनाव में सभी सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, लखनऊ से ज्यादा होगा आजमगढ़ का विकास। और शिक्षक भर्ती मामले में बच्चों को कैसे मिलेगा न्याय, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार पीडीए से घबरा गई, एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, गरीब जनता की सुनवाई नहीं हो रही। दावा किया गया है कि प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन 10 में से 10 सीटें जीतेगा। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा, कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बचाव करते हुए कहा कि वह खुद महिला हैं और महिला का दुख दर्द समझती हैं। सीबीआई या जिस भी एजेंसी से जांच करवाने का मामला था उन्होंने करवाया। तो आपको बता दें, बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने साफ संदेशा दे दिया कि भाजपा इस मामले में राजनीति कर रही है, घटना को लेकर डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इस मामले में राजनीति कर रही है। उन्होंने यूपी में हुई घटनाओं से जोड़ते हुए कहा कि सोनभद्र में बेटी के साथ जो हुआ, लखनऊ में दलित महिला ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आत्मदाह कर लिया, इस पर भाजपा के लोग नहीं बोल रहे हैं। पत्रकार अगर आवाज उठाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कोर्ट के फैसले के संदर्भ में कहा कि अब सरकार पीड़ित बच्चों की सुध लेगी, बच्चों को न्याय मिलेगा, सरकार ने जो भी भेदभाव किया था उसमें सुधार किया जाएगा। इससे पूर्व इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं देखा था, चाहे त्यौहार हो चाहे आम दिन, पीड़ित बच्चे लगातार आंदोलन करते रहे, अलग अलग प्रतिनिधिमंडल बनाकर लोगों से मिले, यहाँ तक कि वो खुद उनसे मिले, अब जाकर उन्हें न्याय मिला है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शिक्षक भर्ती मामले पर बोले थे। ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? और अध्यक्ष महोदय, अगर नेता सदन को नहीं पता है कि एफिडेविट क्या लग रहा है सरकार की तरफ से, इसमें तीन इश्यू चल रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स, दूसरा इश्यू है रॉन्ग क्वेश्चन आना क्वेश्चन पेपर में, तीसरा आरक्षण का है। बताओ, हमारे नेता यहां इधर बैठे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले? बताओ, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? केवल मंत्री बने रहोगे आप? क्या मंत्री बने रहोगे इसीलिए आप उनके लिए साथ ये करोगे व्यवहार? आप बताइए, रॉन्ग क्वेश्चंस आए, कट ऑफ मार्क्स में उनके साथ हुई, आरक्षण को लेकर के हेराफेरी हुई, क्या आपको नहीं पता हेराफेरी? आप तो मोबाइल छीन रहे थे। कभी कभी होता है, ब्लड प्रेशर होता है कुछ लोगों को, चेक कराना चाहिए। हालांकि जो मशीनें लगाई थी सरकार ने वो सब फेल हो गई,